खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान और घंटी बजाओ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको घंटी बजानी है उन सरकारों और बैंकिंग सिस्टम की जिसके कारण देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों का बैंक पर अविश्वास बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में जब मंदी के तमाम दावे हो रहे हैं तब देश के 7 राज्यों में 9 लाख से ज्यादा बैंक ग्राहक परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, अपने ही खाते में अपना ही पैसा अपनी ही जरूरत के मुताबिक न निकाल पाने वाली पाबंदी की वजह से, जिसने अब एक आदमी की जान भी ले ली है। जल्द सरकारों ने अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला ना, तो बैंकों में अपने पैसे की असुरक्षा का डर जनता के मन में अविश्वास की उस चिंता का निवेश कर देगा, जहां बैंकों पर आम आदमी का भरोसा डूब जाएगा और कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए ध्यान से इस रिपोर्ट को देखते हुए घंटी बजाइएगा। अनिल तिवारी है सर, हमारा ब्रदर लखनऊ में किडनी फेलियर में डर लखनऊ अपोलो में इलाज करा रहा है। अरुण तिवारी नाम है उनका, इलाज चालू है, वहाँ पे हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो हमारी मदद कीजिए, हमारा सारा पैसा उसमें, हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है सर, हमको हार्ट का दिक्कत आ गया था, हम हमारी प्लीज मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाथ कांप रहे हैं, दिन बैठा जा रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जमा किए अपने ही पैसे डूब जाने का ये वो डर है जो अब आम आदमी की जान लेने लगा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहने को मुंबई में यार थी 51 साल के संजय गुलाटी की है, जो मुंबई में ओशिवरा के पीएमसी बैंक में जमा अपना ही पैसा निकालने पर लगी पाबंदी का सदमा नहीं सह पाए। लेकिन असल में यार थी उस बैंकिंग व्यवस्था की है, जहां आम आदमी के भरोसे का राम नाम सत्य करके जनता की उम्मीदों की चिता तक जलाई जा चुकी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। कहने को इस चिता में एक पिता एक पति संजय गुलाटी का शव जला है, लेकिन हम कह रहे हैं उस पिता के कंधे भी टूटे हैं जो चाहकर भी बेटे की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के खाते में अपने ही 90 लाख रुपए जमा होने के बाद भी पिता सीएल गुलाटी और बेटा संजय गुलाटी अपना ही पैसा अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं निकाल पा रहे थे। सीएल गुलाटी बैंक में सर कितना पैसा पड़ा आपका? मेरा 90 लाख। आप बताओ सर, आपकी एज कितनी है सर? 80 ईयर्स के सर है, बताओ लूट गया बर्बाद हो गए हम लोग, मेरा बच्चा डिसेबल है, मैं उसको फीस देने को पैसा नहीं है मेरे पास, मुझे वेरी हार्ड डे, मेरे पास तो बर्बादी हो गई, बर्बाद हो गया। दावा है ये तस्वीरें 14 अक्टूबर की हैं, जब पिता सीएल गुलाटी के साथ बेटा संजय गुलाटी अपने बैंक खाते के पैसों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। दावा है प्रदर्शन के बाद घर लौटे संजय गुलाटी को बैंक में जमा अपना पैसा डूब जाने के डर ने ऐसा डरा दिया कि हार्ट अटैक आया, सांसें थम गई। मेरा पैसा तो चला गया, बैंक खा गई मेरा पैसा, वो बहुत टेंशन में थे कल भी, वो उनको ये हार्ट अटैक इसीलिए आया कि उनका पैसा, उनको लगा कि मेरा पैसा डूब चुका है, और डूब ही चुका था। जब वहाँ से कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है, कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं है कोई। दरअसल देश के 7 राज्यों में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के 137 ब्रांच हैं। 24 सितंबर को आरबीआई की तरफ से पहला निर्देश आया कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अगले 6 महीनों में अपने बैंक अकाउंट से अधिकतम 1,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। 27 सितंबर को पीएमसी बैंक के 9.5 लाख ग्राहकों को 6 महीने में कुल 6,000 रुपए निकालने की इजाजत आरबीआई ने दी। बाद में 6 महीने में 25,000 रुपए निकालने की छूट दी गई। सोमवार को ही 6 महीने में कुल 40,000 रुपए निकालने की इजाजत आरबीआई की तरफ से दी गई। अगर संजय गुलाटी हर 6 महीने में 40,000 रुपए निकालते तो उन्हें अपना पूरा पैसा निकालने में 112 साल 6 महीने लग जाते। संजय गुलाटी जेट एयरवेज में नौकरी करते थे, पिछले दिनों नौकरी चली गई, घर में एक दिव्यांग बच्चा है। दावा है
जबकि उसके इलाज के लिए हर महीने करीब 25,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग पिता आरबीआई की पाबंदी की वजह से चाह कर भी मदद नहीं कर सके, जबकि पिता और पुत्र के पीएमसी बैंक के 4 खातों में करीब 90 लाख रुपए जमा हैं। संजय गुलाटी को बैंक प्रबंधन के भ्रष्टाचार ने मार दिया, कैसे हम आपको आगे बताएंगे। अभी संजय गुलाटी के निधन को पहली मौत कहा जा रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन मौत के डर में जीते लाखों बैंक ग्राहकों का हित सोचने की जगह अब भी मुर्दा शांति से सरकारें और आरबीआई बैठे हुए हैं। अब देखिए, पीएमसी बैंक प्रबंधन पर 4,335 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। बैंक ने क्या किया, अपने कुल कर्ज का 73% हिस्सा कंस्ट्रक्शन कंपनी एचडीआईएल को गलत तरीके से दे दिया। सैकड़ों करोड़ का कर्ज लेने वाली कंपनी एचडीआईएल दिवालिया हो गई। एचडीआईएल दिवालिया हो रही थी, लेकिन आरोप है कि पीएमसी बैंक प्रबंधन अतिरिक्त कर्ज ये जानते हुए भी उसे देता रहा। बैंक प्रबंधन के भ्रष्टाचार के बाद आरबीआई ने पीएमसी बैंक से ग्राहकों को पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी। पति की कैंसर रिपोर्ट लिए बच्चे को साथ लेकर पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक इसी तरह 21 दिन से अपने खाते में जमा अपना पैसा निकालने की पूरी आजादी चाहते हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा कराने वाले कोई अमीर धन्ना सेठ नहीं, बल्कि रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करके जीवन भर की कमाई को बैंक के बचत खाते में जमा करके जिंदगी जीने वाले ये आम आदमी हैं। जो हमारे प्रॉब्लम में सॉल्व करा आपने, पीएमसी का प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, उसमें मेरी माँ का पैसा, मेरा पैसा, मैंने एफडी बना के रखा हुआ है, उस पैसे से मेरी माँ को ब्याज चलता था, आज मैं मेरी माँ को ब्याज कहाँ से दूँ, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देश के 7 राज्यों में 137 में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही पीएमसी बैंक के 107 ब्रांच हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र का आम आदमी हुआ है। यानी बैंक प्रबंधन के भ्रष्टाचार के कारण कोई पति के कैंसर का इलाज नहीं करा पा रहा। दे दो, दे दो, दे दो, मोदी जी, प्लीज, प्लीज। कोई अपने भाई के किडनी ट्रांसप्लांट का पैसा जरूरत के मुताबिक बैंक खाते से नहीं निकाल पा रहा। संजय गुलाटी की तो जान ही सिस्टम ने ले ली। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं रुकिए, चुनाव खत्म होने दीजिए। अभी चूंकि आचार संहिता चल रही है, इसलिए मैंने आधिकारिक तौर पर इस पर बयान नहीं दिया, पर चुनाव के बाद मैं स्वयं भारत के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, उनसे मिलने वाला हूं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और उनको निवेदन करने वाला हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए बुजुर्ग एंड्रयू मेजर्स को 20 लाख रुपए इनके पीएमसी बैंक में जमा है और सुनिए इनकी दशा को। मेरा मेडिसिन के लिए मेरे को पर मंथ 5,000 जाता है। पर मंथ 5,000? आई एम दिस वन हार्ट पेशेंट। यू आर हार्ट पेशेंट? या आपका ऑपरेशन हो चुका है? हां, एंजियोप्लास्टी हुआ है। ओके। स्टंट बिठाया हुआ है और एक ऑपरेशन करना है। तब उसका पैसा आपके पास कहां से आएगा? नहीं आएगा, पैसा नहीं है। तो क्या एंड्रयू मेजर्स जैसे बुजुर्ग इंतजार करें कि सरकार चुनाव खत्म होने के बाद कदम उठाएगी? जब सरकारें कदम उठाएगी तब जाकर ये ऑपरेशन कराएं। आम आदमी महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिटेड के मैसेज का बेसब्री से इंतजार करता है।
आम आदमी छोटी छोटी चीजें खरीदने में मोल भाव करता है ताकि पैसे बच पाएं। आम आदमी पैसे बचाने के लिए छोटी मोटी बीमारियों पर पैसे खर्च करने से बचता है। न्यूरोलॉजी जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की सालाना कमाई में 25% या इससे ज्यादा की कमी आती है उनके दिमाग की सेहत खराब होने लगती है। सरकार इसलिए है हमारी भलाई के लिए, हमारी बुराई के लिए है सरकार, हमको बर्बाद करने के लिए है सरकार, और कुछ नहीं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री कहते हैं चुनाव खत्म होने दीजिए और वित्त मंत्री कहती हैं The Reserve Bank repeatedly has assured me, even today the governor has assured me, that he will keep the interest of the customers in mind and at the earliest try to resolve it as he goes on with it. कैसे करें RBI पर भरोसा? क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत RBI देश के सभी बैंकों के खातों की जांच करती है। RBI के पास बैंकों का हर हफ्ते का डेटा भी जाता है। अगर PMC बैंक की वित्तीय हालत खराब हो रही थी तो RBI को पता क्यों नहीं चला? यही कारण है कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लाखों ग्राहक डरे हुए हैं। ये डर अपने बैंक खाते में पैसा होकर भी फंस जाने, डूब जाने के अंदेशे का है। ये डर अपने खाते से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे ना निकाल पाने की पाबंदी का है, जिसने सोमवार को संजय गुलाटी की जान ली है। आज ABP न्यूज की राय है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को जल्द अपना पैसा अपनी जरूरत के मुताबिक निकालने की आजादी दी जाए। जब बैंक ग्राहक की गलती से पैसा नहीं डूबा तो सजा बैंक के आम उपभोक्ता को नहीं मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय या RBI बैंक ग्राहकों को तुरंत इस बात का भरोसा दे कि खाते में जमा उनका एक एक पैसा सुरक्षित है और जल्द दिया जाएगा। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।